हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एंड्रॉयड ऐप है वो लॉन्च करना चाहते हो, एंड्रॉयड ऐप है वो कैसे बनाएं अपने मोबाइल से, अपनी खुद की एंड्रॉयड ऐप है वो कैसे लॉन्च करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग है वो स्टेप बाय स्टेप यही सब बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो मैं जिस वेबसाइट को आपको लोग बता रहा हूँ तो उस वेबसाइट पर विजिट करने के लिए मैं सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए ही, यानी एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको प्रोफेशनल ऐप है वो लॉन्च करनी है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या स्टडी के लिए, या आप जो भी जिस लेवल पे आप ऐप है वो लॉन्च करना चाहते हो और प्रोफेशनल लेवल से बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट या फिर आपको कोडिंग की जानकारी है वो होनी चाहिए। जैसे जावा है और बहुत सारी ऐसे कोडिंग होती है, वो सब आपको आना चाहिए। यदि आपको कोडिंग आती है तब आप वो प्रोफेशनल ऐप वो लॉन्च कर सकते हो। यदि आपको नॉर्मल अपनी वेबसाइट के लिए, ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल के लिए कोई ऐप है वो लॉन्च करनी है, नॉर्मली आपको अपनी कोई भी ऐप है वो बनानी है, कैसे बनानी है वो मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिस पर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद में कुछ डिटेल्स आपकी आपको है वो वहाँ पे फुलफ़िल करनी है, जैसे आपका कोई लोगो है या जो भी है उस ऐप के अंदर, उस वेबसाइट के अंदर लोगो है आपका, जो भी है वो वहाँ पे डाटा है वो अपलोड करना है। आपको किसी भी प्रकार की कोडिंग है वो बिल्कुल नहीं करनी। आपको कोडिंग का नॉलेज जीरो है फिर भी आप है वो अपनी ऐप है वो लॉन्च कर सकते हो। कैसे? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप अपनी खुद की एंड्रॉयड ऐप है वो कैसे लॉन्च करोगे। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा यदि आप आईफोन के लिए ISO ऐप है वो भी बना सकते हो कैसे, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग अपनी एंड्रॉयड ऐप है वो मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि आप अपनी खुद की ऐप है वो कैसे क्रिएट करोगे, वो भी एक वेबसाइट ब्लॉग के थ्रू। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम है वो ओपन करना है। जैसे आप गूगल क्रोम है वो ओपन करते हो तब उसके सर्च बार पे आपको सर्च करना है www.appsgeser.com। तो ये सर्च करना है और आपको इस वेबसाइट पर वो विजिट करना है। जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस है वो आएगा। तब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऐप ऑप्शन वाले पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी ऐप है वो क्रिएट होने वाली है। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन मांग रहा है, तो इस हिसाब से आप जो भी यूट्यूब के लिए करना चाहते हो या XYZ जो भी करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट के पर्पस पर ओपन कर रहा हूँ। पर अब आपको सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है उसका URL है वो यहाँ पे डालना है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ वेबसाइट ऐप, तो मैं यहाँ पे अपना वो URL है वो डाल दूँगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से। अब मैं अपने, ये देखिए मैं अपने चैनल पे आ गया और मैंने ये जो ऊपर वाला लिंक है वो मैंने कॉपी कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसे आप ऐप बना सकते हो और बिना कोडिंग के। यदि आपको कोडिंग का नॉलेज है तब तो आप, मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा आप ऐप वो वैसे ही बनाएं, क्योंकि कुछ ऐप पर मतलब जो आप कोडिंग करके बनाते हो उसमें हैकिंग का बहुत कम चांस रहता है। अब आपको यहाँ पे वो URL पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और बहुत ही इजी तरीके से आप वो बना सकते हो। अब आपको पूछ रहा है आपका जो ऐप है उसका नाम क्या देना चाहते हो ऐप को, तो मैं यहाँ पे ऐप को नाम देना चाहता हूँ टेक्निकल दोस्त इंडिया। तो ये मेरी ऐप का नाम हो गया, मैं इस ऐप का वो नाम दे देता हूँ। अब आइकन है वो आप अपने हिसाब से आइकन भी है वो चूज़ कर सकते हो, तो मैं आइकन है वो
ले लेता हूँ। सपोज ये इस आइकन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जितना आता है उतना लेंगे। चलो तो अभी इतना ही आ रहा है, तो मैं इतना इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा आइकन हो गया, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे करोगे तब आपकी ऐप है वो बन चुकी है पूरी तरीके से। अब इस ऐप को आपको लॉन्च करना है, तब उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और इस ऐप के जो मैनेज है उसको डाउनलोड करना है। तो जैसे आपके पास जो डाउनलोड हो जाएगा तो उसे आप अपनी जो बनी हुई ऐप है उसको आराम से है वो हैंडल कर सकते हो। वहाँ से उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो या उसमें कुछ अपलोड करना चाहते हो तो उस ऐप से वहाँ से आप है वो कर सकते हो। तो मैं ये डिटेल वाइज पूरा बताऊंगा आपको यहाँ से डाउनलोड करके, तो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वहाँ पे आप विजिट करके उसको यहाँ से डाउनलोड है वो कर सकते हो। अब आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद में एपी गेयर की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी और इस ईमेल में आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है आपके अकाउंट को। जैसे आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर दोगे तो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका ऐप है वो डाउनलोड और मैनेज कर सकते हो, और चाहो तो ऐप को प्ले स्टोर के अंदर भी आप है वो पब्लिक कर सकते हो। अपने किसी भी ऐप और गेम को प्ले स्टोर में अपलोडिंग करने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर अपनी जो आईडी है वो यहाँ पे आपको ना आईडी डालनी है, गूगल अकाउंट है या आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरी जीमेल अकाउंट है वो डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट डालूँगा उसके बाद में आपके पास उस जीमेल आईडी पर एक वेरीफाई जाएगा। उस वेरीफाई के अंदर ही आपने जो ऐप लॉन्च की है वो ऐप मिलेगी, तो उस पर जाके आप वो अपनी ऐप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में उसमें आप जो भी चेंज करना चाहो ऐप के अंदर या जो भी आपका जो मटेरियल है वो कर सकते हो। तो मैं अभी अपनी पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद ही मैं यहाँ पे इसमें साइन अप करूँगा। जैसे ही साइन अप करूँगा तो मेरी जो आईडी है उस पर वो वेरीफाई चला जाएगा। जैसे ही वेरीफाई चलेगा तो मैं उस ईमेल आईडी से वो वेरीफाई करूँगा। कैसे, तो चलिए आज के वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको कि मोबाइल के अंदर किस तरीके से आपके पास वो आएगा और आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास वो एक मेल आएगी, तो उस मेल को आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आप उस वेबसाइट पे विजिट कर लोगे और विजिट करने के बाद में आपको जो आपने ऐप क्रिएट करना है या पहले से क्रिएट की हुई है तो उसके अंदर आप जाके उसके डाउनलोड को मैनेजर डाउनलोड ऐप को वो डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से उस ऐप को वो आराम से वो मैनेज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो बना सकते हो और बनाने के साथ साथ प्ले स्टोर के अंदर भी इस ऐप को वो लॉन्च कर सकते हो। पर ध्यान रहे, इस एंड्रॉयड ऐप को यदि आपने जो अभी लॉन्च किया है उसको आप हैंडल करना चाहते हो, उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए इस वेबसाइट के ब्लॉग पे जाके आपको अपना अकाउंट है वो क्रिएट करना है। फिर वो ऐप जो आपने वहाँ से आपने जो ऐप की डिटेल भरी है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन है वो कर सकते हो या मान लो कि आप वहाँ से उस ऐप को वो हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो है वो वीडियो सिर्फ देख लेते हैं लेकिन चैनल को है वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब है वो भी कर दीजिए जो बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।